उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राज बब्बर ने आज यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में योगी सरकार बनने के बाद से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने हाल ही के विवेक तिवारी हत्याकांड का उदाहरण देते हुए पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए। राज बब्बर ने गोरखपुर से कांग्रेस की महिला नेता तलत अजीज को पेश किया और कहा कि महिला नेता को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने मीडिया से गुजारिश की कि तलत अजीज को इंसाफ दिलाने के लिए मीडिया आगे आए। इस दौरान राज बब्बर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कल जो आरएसएस थे वो आज नहीं, संघ प्रमुख कल कुछ कहते थे, आज देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद कुछ और बोल रहे हैं। महिला को और उसके पति के बारे में जो आज हो रहा है, एक सरकार महिला ने ये बात हिंदू या मुसलमान ना हो जाए इसलिए कुछ बात हम नहीं कहना चाहते, और मैं भी ये चाहूंगा कि कांग्रेस के मंच से हिंदू या मुसलमान की बात ना की जाए। बात सत्यप्रकाश यादव को न्याय मिलने का, और अगर ये इतनी कमजोर होती तो शायद इस लड़ाई में सबका बंद रख चुकी थी।